पहला प्रश्न, श्रीमद रामचंद्र जी के कवित्व में निम्न पंक्ति का अर्थ समझाने की कृपा करें। वह सत्य सुधा दर्शा वहींगे, चतुरांगल है द्रव से मिले, रसदेव निरंजन को पिवही, गई जोग जुगो जुग सो जीवही। कमलचंद जैन, अलवर, राजस्थान। मृत जड़ अचेतन पुद्गल का रस तो अनंत बार चखा, अनंत बार पौद्गलिक रस पिया, फिर भी प्यास छिपी नहीं। क्योंकि अमृत का रसपान न किया, जहर को तो पिया, अमृत को न पिया। और मेरे इन वचनों को बहुत सूक्ष्म रूप से समझना। जहर को तो पिया, अमृत को न पिया। मैं किसे जहर कहता हूं? बाजार में, खेत में जीव जंतुओं को मारने का जो जहर होता है, उस जहर की बात नहीं करता। आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकल्प स्वयं जहर है। और जहर को ही पिया, जब तुम तत्व विचार करो, मैं चैतन्य तत्व ऐसा विचार करो, ऐसे विचार के काल में स्थिति कौन सी है विकल्प की? यह भी एक विकल्प हुआ। मैं चैतन्य तत्व, यह भी एक विकल्प हुआ। और मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा विकल्प भी जहर है, अमृत नहीं। ऐसे विकल्प की भी मृत्यु है, इसलिए यह विकल्प अमृत नहीं। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, क्योंकि जब तुम तत्व विचार करो, अंतर में इतनी उदासीनता हो, उदासीनता का अर्थ मुंह लटका कर बैठना ये नहीं, उदासीनता का अर्थ उत्तासीन, ऊंचे आसन पर विराजमान होना। और ऊंचा आसन कौन सा? यह चैतन्य सत्ता, इसे सत्ता कहा।
इससे ऊंचा आसन और जगत में और क्या। यह चैतन्य सत्ता और सत्ता सत्ता में आसीन होना, सत्ता पर विराजमान होना, विराजमान होना उसका भी भाव कि जोर दृष्टि का चैतन्य तत्व पर हो और बाहर में पर्यायी के प्रवाह में, पर्यायी के तरंगों में कहीं पर भी फंसना न हो, कहीं पर भी इन विकल्पों के जाल में फंसना न हो। सहजता, और ऐसी सहज तत्व विचार की धारा में ही वह अनुभूति घटित होती है। परमात्मा का अवतरण होता है ऐसे ही, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। विचार कर रहा हूं इस विचार से भी पार होना, तब अमृत, तब वह सुधा का रस तुम चखोगे। वह सत्य सुधा, यही सत्य, यही सत्य। विकल्प भी सत्य है, असत्य नहीं है, क्योंकि विकल्प की भी सत्ता एक समय की है, इसलिए विकल्प भी सत्य है। मगर जिस विकल्प की सत्ता जब एक समय है, भाव उसका सूक्ष्म समझना। विकल्प जो उत्पन्न हुआ, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, इस विकल्प की उत्पत्ति ये एक समय, और जिस विकल्प की सत्ता एक समय की है, एक समय की सत्ता से उसका भाव क्या। एक समय की सत्ता है यदि जब कहा, उसे एक बार सहज सिद्ध हो गई कि एक समय की सत्ता है, अर्थात उस एक समय से पहले कभी भी उसकी सत्ता नहीं और एक समय के बाद में कभी भी उसकी सत्ता नहीं। ऐसा एक समय की विकल्प की सत्ता है तो उस विकल्प की सत्ता उस समय से पहले भी कभी नहीं, उस समय के बाद में भी कभी नहीं, और इसलिए त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की अपेक्षा से देखे तो ये विकल्प जो एक समय से पहले भी नहीं उसके बाद में भी नहीं, तो त्रिकाली के साथ में ऐसी तुलना करे कि त्रिकाली की तुलना में ये एक समय का जो सत है ना, वो एक समय का सत त्रिकाली के सामने असत है। ऐसा है, त्रिकाली के सामने असत है, क्योंकि त्रिकाल जिसकी सत्ता है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी तुलना में तो एक समय का सत असत है, असत है। इसलिए वो विकल्प भले सत है मगर वो सत होने पर भी अमृत नहीं। यहां ये कहा वह सत्य सुधा, ये सत्य सुधा, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये सत्य सुधा विकल्प, ये चैतन्य अमृत, ये चैतन्य अमृत। ऐसा बोधामृत है ना, बोधामृत, बोधामृत, ये असत्य है, सत्य नहीं। मगर कौन सा बोधामृत, ये बोधामृत जो है ये असत्य है। लिखा गया बोधामृत, लिखने का विकल्प आया, वो विकल्प, ये सब असत्य है त्रिकाली के सामने। इसलिए बोध, बोध अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात जो त्रिकाल टिककर रहने वाला ये चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये जो बोध, ये बोध, ये बोध अमृत है। इसलिए बोधामृत को पियो, तो अमृत को पियो। जब मैं तुमसे कहता था ना अमृत का पान करो, तब मैं वो शास्त्र को पढ़कर, रटकर, गाकर, गुनगुनाकर,
खुश होने को नहीं कहता। अमृत अर्थात ये बोध, ये साक्षात ज्ञान, ये ज्ञान रूपी अमृत, ये ज्ञान अमृत, इसका जो मार्ग है, ये अमृत का पान करने का मार्ग है, एक ही है। शुरुआत होती है देखकर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, दृष्टि से शुरुआत होती है। असत्य और सत्य के बीच में चार अंगुल का फासला है, मैं इसे ऐसे कहता हूं। असत्य और सत्य के बीच में चार अंगुल का फासला, भूगोल की किताब में बहुत बार अमेरिका के बारे में पढ़ा, शिक्षक के मुंह से बहुत बार अमेरिका के बारे में सुना, और हम श्रुत ज्ञान जो कहते हैं, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, लिखित ज्ञान नहीं। लिखित ज्ञान हो तो पढ़ना हो, श्रुत ज्ञान में सुनना, क्योंकि आरंभ होता है श्रुत ज्ञान से। इसलिए तो शास्त्र तो बाद में लिखे गए, बाद में पढ़े गए, पहले तो कहा गया और सुना गया, श्रुत ज्ञान, श्रुत, और जो भी सुना गया है, सुना तो है मगर देखा नहीं, सुना है देखा नहीं। कान और आंख के बीच चार अंगुल का अंतर, ये असत्य और सत्य के बीच चार अंगुल का अंतर है, बहुत दूर नहीं है। इसलिए तो अनंत बार परमात्मा की वाणी को सुना, सुना मगर स्वयं ने दर्शन नहीं किया कि मैं परमात्मा हूं। मैं तो इसका यही अर्थ लेता हूं, होते होंगे और भी अर्थ, मगर कृपालु देव के अंतर में ये नहीं हो सकता। सांसों पर ध्यान ले जाओ, आंख से नाक तक की दूरी चार अंगुल की है, सांस पर ध्यान ले जाओ और ध्यान करो। हवा, हवा, सांस गई अंदर, सांस बाहर निकली, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए तुम सांसों को देखो। लोग दुनिया में कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ध्यान को एकाग्र करने के लिए तुम्हें सांसों को देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास वो कला है, तुम इतने एकाग्र हो सकते हो, ये कला तुम्हारे पास है, पता ही नहीं चलता। दुकान पर नोटों को गिनते गिनते बैंड बाजे के साथ बारात निकल जाती है, इतना ध्यान एकाग्र। वो सेठ कोई सांसों को देख करके ध्यान एकाग्र नहीं करता था, रुचि थी नोट की कि बारात कब निकल गई पता ही नहीं चला। ध्यान को एकाग्र करने के लिए तुम्हें सांसों को देखने की जरूरत नहीं। नई नई शादी हुई है, नई नई इसलिए कहता हूं क्योंकि नई नई होती है तभी एक दूसरे को याद करते हैं। नई नई शादी हुई है, पति दफ्तर गया, पत्नी ही पत्नी ध्यान में आ रही है, कोई सांसों को नजर में रख करके ध्यान सीखा नहीं। पत्नी ही पत्नी कितनी गड़बड़ हो जाती है ऑफिस में काम करते करते, क्या लिखना था क्या लिख देता है, पत्नी ही ध्यान में आ रही है। पति को पत्नी का ध्यान करने के लिए सांसों को देखने की जरूरत नहीं, दुकानदार को ग्राहक का ध्यान करने के लिए सांसों को देखने की जरूरत नहीं। ये ध्यान तुम्हें अच्छी तरह आता है, जहां तुम्हारी रुचि हो वहां ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान नहीं सीखना है, ध्यान जिसका, ऐसा जो चैतन्य तत्व, उसका स्वरूप समझना है।
और जैसे जैसे तुम स्वरूप को समझो सहज ही ध्यान की वो दशा प्रकट होती है। परम कृपालु देव इसे अमृत कहते हैं, ये चैतन्य अमृत। रस देव निरंजन को भी वही, ये चैतन्य रस, ये ज्ञान रस, ये अमृत, ये स्वयं देव, मैं ही देव, निरंजन। अहोभाव आता है ऐसे, निरंजन मैं चैतन्य तत्व, ऐसे विकल्पों से भी जो मेला नहीं, अनंत प्रकार के भाव हुए, अनंत भाव में से कोई भी भाव जिस चैतन्य स्वरूप में मिला नहीं, ऐसा ये निरंजन, ऐसा ये चैतन्य देव, ऐसा मैं परमात्मा, निरंजन को पी वही, ऐसा रस जिसने पिया, गही जो जुगो जुग सो जी वही, फिर वो मरता नहीं। अमृत को पीने के बाद मृत्यु कैसी? इसका भाव यही कि जब अमृत को पिया, शरीर में से आत्मा बाहर तो निकलता है, वियोग तो होता है, मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं, मृत्यु तो होगी, मगर तुम्हें किसने कहा तुम मरोगे? बस वो जागृति, सांसों के कारण में जीता नहीं, मूढ़ता लगेगी तुम्हें जब तुम सत्य को समझोगे नहीं, स्वरूप के अभे निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही ये सत्य समझ में आएगा कि मेरी सत्ता स्वयं के कारण है, किसी और पर पदार्थों के कारण नहीं। तब हवा को अंदर जाता बाहर आता हुआ देखोगे, जब मकान के कारण ही मेरी सत्ता नहीं, तो मकान में आने जाने वाली हवा से मेरा क्या लेना देना? ऐसा हो ये मकान ही मेरा नहीं, तो मकान में आने वाले जाने वाले मेहमान से मेरा क्या लेना देना? ऐसा देखता है, मकान से ही लेना देना नहीं, ये हवा अंदर गई हवा बाहर निकली मकान में से मेरा क्या लेना देना, ऐसे ही दूर से देखता है, ऐसा देखता है। आज मैंने सुबह दो दृश्य देखे, मुझे तो तुरंत ही ये विचार आया कि तुम्हें चिंतन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ट्रक मैंने देखा, ट्रक देखा और गाड़ी भी देखी, ट्रक में से सीमेंट नीचे उतर रही थी यहां सामने, और गाड़ी में से सब्जी नीचे उतर रही थी। मुझे दोनों में एक क्षण के लिए भी कोई भेद न दिखाई दिया। ये सीमेंट रॉ मटेरियल, ये सब्जी रो मटेरियल, अभी ये सीमेंट से दीवार बनेगी, सीमेंट रो मटेरियल, सीमेंट से अभी दीवार बनेगी, अभी ये सब्जी रो मटेरियल, उससे राख की दीवार बनेगी, मगर दोनों में एक क्षण के लिए अंतर नहीं। और ये जागृति कि मैं चैतन्य तत्व,
इन रॉ मटेरियल दोनों प्रकार के और दोनों दीवार में कहीं भी नहीं। मैं तुमसे ये कहता हूं फिर जब तुम्हारे अंतर में वही चले ना, फिर तुम्हें शिकायत करोगे अब नींद ही नहीं आती रात को, जो कमलचंद का ये प्रश्न है। दूसरा, रात्रि को सोने से पहले 15 मिनट का ध्यान, सूत्र का ध्यान करने के बाद जब सोते हैं तो ज्यादातर रात्रि को करीब 1-1.5 बजे नींद खुल जाती है और काफी देर तक नींद नहीं आती है, तो उन्हीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन चिंतन करते करते दूसरे विकल्प आते हैं, इनका निराकरण किस प्रकार करें, और एवं आपने प्रवचनों में भी प्रयोग करने पर ही ज्यादा जोर दिया, कृपया प्रयोग करने की विधि पर विशेष समाधान करने की कृपा करें। यही प्रयोग ज्ञेय कौन से सामने जानने में आ रहे ये महत्वपूर्ण नहीं, अंतर में तुम्हारी दृष्टि कैसी है यह दृष्टि महत्वपूर्ण है। नींद नहीं आती है, तुम शिकायत मत करना नींद नहीं आती, सबसे पहले इसे शिकायत मत समझना कि नींद नहीं आती, धन्य भागी हुए तुम कि अब तुम्हें स्वरूप का चिंतन मनन करने का और समय मिला। मैं फिक्र नहीं करता कि यदि मैं ठीक तरीके से पूरी तरह से सोऊंगा नहीं तो फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी ये शरीर बीमारी से गिर जाएगा, मर जाऊंगा, क्या होगा, उसकी फिक्र मैं नहीं करता। प्रकृति कर तू व्यवस्था, फिर मैं तो अपने में ये जो मौका मिला इस अवसर को मैं क्यों गवाऊं। ऐसी ये दृष्टि शिकायत वाली नहीं, अहोभाव से भर जाना, अब नींद नहीं आती, रात को 1-1.5 बजे मध्य रात्रि में पूरी दुनिया भोगों में मस्त होती है और तुम्हें चैतन्य का विचार आता है, कमलचंद तुम्हारा कमल खिलेगा। भले ही कीचड़ में हो, भले ही शरीर में हो, मगर अंतर में यह जागृति, धन्य भागी हुआ मैं, ऐसी स्थिति, शरीर की स्थिति कैसी भी हो, दृष्टि महत्वपूर्ण है। मुझे अमेरिका के एक जज साहब अविस्मरण में आए, नई नई शादी हुई थी, पेरिस गए, शादी के बाद वे जब पेरिस गए कुछ दिन वहां ठहरे, रंग बिरंगी शहर इस दुनिया का पेरिस में घूमे, उत्सव मनाया, वापिस अमेरिका गए। 20 साल के बाद फिर वे दोबारा पेरिस गए, जब वे पेरिस उतरे उन्होंने अपनी बीवी से कहा, 20 बरस पहले जो पेरिस था ऐसा पेरिस अब नहीं रहा। और पत्नी ने क्या कहा, पेरिस तो वही है, वो 20 बरस पुरानी हमारी जो नजर थी वो नजर अब न रही, अब बुढ़ापा आ गया, दृष्टि बदल गई, पेरिस नहीं बदला, पेरिस तो और रंगीन हो गया, 20 बरस पहले इतना रंगीन नहीं था, मगर दृष्टि, मेरा जोर दृष्टि पर है। प्रयोग की जो बात कहता हूं इसका मतलब ये दृष्टि, शरीर को देखा, ये विचार 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 चलता रहे, ऐसा ही विचार चैतन्य 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 तत्व विचार, शांति से बैठकर विचार करना, विचार करना
मगर हमें शांति अच्छी कहाँ लगती है। यहां वहां भागना हो तो अच्छा लगता है, शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुमसे कहा ना, तुम शांति से बैठे रहना मैं जब आऊं तो, मगर तुम्हें शांति से बैठना कहाँ अच्छा लगता है, उठना ही अच्छा लगता है। शांति से बैठो, शांति से बैठो। नहीं, हम शांति से नहीं बैठेंगे, हमने नियम ले लिया। जब रात को 1 बजे भी नींद नहीं आती हो तो दृष्टि ऐसी ऐसी दृष्टि चैतन्य, और मेरा तो ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जितने भी बजे घड़ी में कोई भी बजे ऐसा विचार चालू हो जाता है उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने तो 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या में एक भी संख्या ऐसी नहीं कि जिसमें कोई चिंतन करने जैसा ना हो। अंक अंकित अध्यात्म, कोई भी घड़ी में अंक दिखाई दिया, कोई भी वस्तु दिखाई दी, मगर खास याद रहे केंद्र बिंदु चैतन्य हो, दृष्टि चैतन्य पर हो, आधार चैतन्य हो, ये स्थिति अच्छी है। रात को सोते समय ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार करके सोते हैं, वही विचार आते हैं और गहराई से देखो तो जब तुम पाओगे ना, तब तुम्हें ये सत्य का एहसास होगा कि चैतन्य सत्ता को कोई रात कोई दिन कोई लेना देना नहीं। सत्ता को क्या लेना देना, ये चैतन्य सत्ता में, ये तो घड़ी देखी तो पता चला 1 बजा, घड़ी में किसी ने 5 कर दिया होता, अच्छा चलो अब सुबह हो ही जाएगी, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति में क्या है, ये घड़ी को देख करके सत्ता को क्या लेना देना। मस्त, फिर किसी भी अवस्था के काल में रात का 1 बजा दिन में हो, भर बाजार में हो, तो भी दृष्टि तुम्हारी ऐसी हो, मुंबई की एक घटना मुझे अभी स्मरण है। जवेरी बाजार से मैं गुजरता था, पूज्य गुरुदेव से कांजी स्वामी मुझे स्मरण में आए, परम कृपालु देव स्मरण में आए, कृपालु देव स्मरण में आए क्योंकि जवेरी बाजार की उन गलियों से वे गुजरते थे, उन गलियों से मैं गुजरता, वहां बहुत साल रहा मैं, तो पहले ऐसा भाव आता, अरे यहाँ कृपालु देव, यहाँ पर कृपालु देव, यहाँ पर कृपालु देव के चरण यहाँ छुए हैं, कृपालु देव के चरण यहाँ छुए, ये तुरंत ही गुरुदेव स्मरण में आते। तीर्थंकर भगवान ना चरण पर जमीन ने स्पर्शता नहीं तो कृपालु देव ना जमीन ने क्या स्पर्श, ऐसा विचार आते 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 फिर अंत में वही कि शरीर ही आत्मा को छूता नहीं, मगर आता था आत्मा पर। कोई भी विचार होने, विचार का जो एंड होने वो यहीं पर ही हो, बस शुरुआत किसी से भी हो गई मगर आना यहीं पर ही, निकला हूं मस्ती में निकला हूं, ऐसा जैसे तुम निकलो, मैं निकला हूं, मैं निकला हूं, मैं क्या, जैसे ही घर दिखा के घुस गया। रात के समय तुम ऐसे ऐसे इधर उधर भागते हो भागते हो, देखते हो जैसे घर का दरवाजा दिखा कि घुस गया, बस ऐसे ही। कहां से यात्रा शुरू हुई ये बात पूर्ण नहीं है, जैसे ही चैतन्य आया कि घर आया कि घुस गया, दूसरा प्रश्न। सदगुरु देवाय नमः, चैतन्य चमत्कार का स्वरूप बताने वाले
सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आपने सत्संग में कहा कि अनंत काल में अनंत बार ये जीव गुरु के निकट आया, किनारे तक आया, लेकिन अभेद नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अटका। तो हे गुरुदेव, ये अभेद होना मतलब क्या, और ये अभेद कैसे होगे, इसका मार्गदर्शन दे। जब भी मैं तुमसे कहूं तुम आओ आओ, दूरी मत रखो, निकट भी मत आओ, क्योंकि निकटता भी एक प्रकार की दूरी है। निकट तो होते हैं मगर फिर फासला बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है। निकट आए ना, इसके लिए दो दिन पहले ही मैंने सत्संग में ये बात कही थी। जब भी मैं तुमसे कहूं निकट मत होना, गुरु व्यक्ति की बात मैं नहीं करता, गुरु के साथ अभेद हो जाओ माने वो व्यक्ति नहीं, गुरु के साथ अभेद हो जाओ, उनके साथ बैठो, अभेद होकर बैठो। मेरा कहने का भाव तुमने समझा? वो जिसमें स्थित हुए हैं, तुम भी ऐसे ही चैतन्य तत्व में स्थित हो, अभेद हो जाओ, निकट मत आना। निकट आने का मतलब मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जो विकल्प ये निकटता है, उन विकल्पों से पार निर्विकल्प चैतन्य, वहां द्वैत न होगा, वहां द्वंद न होगा। मैं शिष्य और ये गुरु तो बाहर ही रह जाते हैं, गुरु तो सिर्फ बहाना बन जाते हैं कि है पास में। जब वो घटित होता है ना, तब तो मैं पर्याय अनुभव पर्याय में होता है, और मैं पर्याय अनुभव करने वाली पर्याय, जिस पर्याय में अनुभव होता है उस पर्याय का भी विकल्प नहीं। और पर्याय ने क्या स्वीकार किया कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो पर्याय का भी विकल्प जब नहीं रहा वहां, तो गुरु का विकल्प कहाँ रहेगा वहां। जब मैं कहता हूं अभेद होना, ये फासला थोड़ा भी न रहे, अर्थात गुरु का तुम्हें योग मिले, तो गुरु का योग मिलने पर तुम अपने में ऐसे अभेद होना कि फासला मिट गया, ये फासला मिट गया। फासला मिट गया अर्थात गुरु का गुण स्थान चौथा था ना, तुम यहां अभेद हुए कि तुम्हारा चौथा गुण स्थान हुआ कि गुरु के साथ बैठ गए, बात खत्म। तुम स्वयं चौथे गुण स्थान में आ गए, ये फासला मिट गया, उनके साथ बैठ गए। दो शब्दों के बीच में खाली जगह न रहे ऐसा प्रयोग, धारावाही चले तो दो शब्दों के बीच में खाली जगह न रहे, यानी क्या, और कैसे प्रयोग चिंतन चले, इसके बारे में भी मार्गदर्शन दे। दो शब्दों के बीच के अवकाश को भी सुनना माने क्या, इसका मतलब बताइएगा। चंद्राबेन भिलाई, जब तुम सुनने के लिए बैठते हो तब मैं तुमसे जो कहता हूं कि शब्द को ही मत सुनना, दो शब्दों के बीच जो अवकाश हो उसे भी सुनना। सुनने का भाव क्या,
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का सत्संग तुम सुनो। बोलते बोलते बीच में अटक जाना हो जाता है। तुम उसका भी अनुभव करो। मैं तुमसे जो कहता हूं शब्दों को ही मत सुनना, क्योंकि दो शब्दों के बीच में जो होता है वह मौन होता है। अकेले शब्दों को मत सुनना, मौन का भी अनुभव करना। और जब तुम मौन को समझोगे ना, जैसे ही तुमने मौन को समझा कि सुने हुए शब्द बाहर रह गए, फिर तुम्हें सुने हुए शब्द इतने महिमावान नहीं दिखाई देते। पूरा प्रवचन तुमने सुन लिया, मगर सुना हुआ प्रवचन तुम्हें उतना प्रतीकर न लगेगा जितना प्रवचन में शब्दों के बीच में जो मौन हुआ वो मौन तुम्हें प्रतीकर लगा। मेरी यही भावना है। यहां तुम शब्द तो बहाना है, मैं तुमसे पुकारता हूं, कहता हूं तुम आओ यहां, आओ यहां। शब्द तो बहाना है, आओ तुम यहां। शब्द तो बहाना है, दो शब्दों को सुनने के लिए आओ, क्योंकि दो शब्दों को सुनने के बहाने दो शब्दों के बीच में तुम मेरे मौन को समझ सको। क्योंकि भागोगे नहीं उस समय, तुम शब्द सुना कि फिर मौन, कि फिर शब्द सुना कि फिर मौन। तो शब्द तो सुनना ही है, बैठोगे यहां। वास्तव में तो मैं तुम्हें मौन समझाने के लिए यहां बिठाता हूं, मौन समझाने के लिए। शब्द तो एक बहाना है, सिर्फ इतना कहा जाए आज मौन बैठना है, आ जाओ। कोई नहीं आएंगे, कठिन लगता है अकेला मौन बैठना। कहीं प्रार्थना सभा होती है, देखा है ना, दो मिनट का हम मौन रखेंगे, घड़ी में देखते हैं लोग, अरे एक मिनट हो गई, एक मिनट दस सेकंड, अब दो मिनट कब हो, मौन बैठ नहीं सकते। ये शब्दों के बहाने मैं तुम्हें मौन समझाना चाहता हूं, मेरी ये भावना है मौन। और मैं भी उस मौन की अवस्था को प्राप्त हो इस भावना से ये शब्द बोलता हूं, क्योंकि मुनि शब्द बना है मौन से ही। जो मौन हुआ वही मुनि हुआ। अपूर्व अवसर के वो क्या रहे आवश्यक। अवकाश मिलता है, मन जो विचार करता है, इंद्रियों से जाने हुए पदार्थों के बारे में विचार करता है। तुम सिर्फ सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। वो विचार करने का अवकाश मैं तुम्हें देता हूं। जब मैं नहीं बोलता हूं तब मैं आराम नहीं करता कि चलो थोड़ा विश्राम कर लो। मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम अब तैयार हो जाओ। अब आगे जो मैं बोलने वाला हूं उस सुनने की पात्रता तुम्हारी तैयार करो। इस मौन के काल में तुम का विचार अंतर में करके तुम इतने परिपक्व हो कि आगे मैं तुम्हें जो और ऐसी गहराई से कोई बात बताने वाला हूं उसे सुनने के लिए तुम्हारे पास तैयारी आए। वो तैयारी के लिए मैं बीच में अवकाश देता हूं कि विचार करते करते तुम परिपक्व हो, अवकाश देता हूं। घड़े को बनाने के बाद में सीधा उपयोग नहीं, थोड़ा अवकाश दो, पक जाने दो। बोलने के बाद तुम्हें अवकाश देता हूं तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा बोध पके कि तुम परिपक्व हो, वह दशा तुम्हारी अवश्य प्रकट होगी। अंतिम प्रश्न,
पूज्य गुरुदेव ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान छे, तो सिद्ध शिला देखाती केम नथी? ज्ञान दीपक आत्मार्थ पहले नंबर का ज्ञान दीपक, जिसका प्रश्न आखिरी नंबर पर आया, पूज्य गुरुदेव ना चरणों में कोटि कोटि वंदन, करोड़ करोड़ वंदन, कोटि माने करोड़ ना? बता देना, करोड़ में मींडा केटला हो ये खबर छे? हम बहुत बार बोलते हैं शब्द को भी कोटि कोटि वंदन, कितने शून्य होते हैं करोड़ में, सोच लिया ना? अवकाश इसलिए देता हूं तुम सोच लो। बाका प्रश्न है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है तो सिद्ध शिला दिखाई क्यों नहीं देती? कौन कहता है सिद्ध शिला दिखाई नहीं देती? मुझे तो दिखाई देती है, इतनी तो सिद्ध शिला जिस पर सिद्ध भगवान विराजमान है, मुझे कोई विचार ही नहीं आता दूसरा कि वो सात राज्यों पार करके वो चंद्रमा के आकार की वो सिद्ध शिला होती है। आगम में लिखा मानते, मगर मेरा ज्यादा विश्वास नजरों के सामने दिखाई देने वाली सिद्ध शिला पर है, मेरा जोर उन पर है जो नजर के सामने सिद्ध शिला दिखाई देती है। सिद्ध शिला तो बहुत दूर की बात, यहां इतने बादल है कि बादल के पीछे जो विमान जा रहा है वो ही नहीं दिखाई देता, सिद्ध शिला तो कहां दिखाई देगी? सात राजू कितनी लंबाई होती है उसका गणित है, तत्वार सूत्र मध्य लोक ऊर्ध्व लोक सोलह स्वर के ऊपर नव ग्रह गए, अनुदेश पांच अनुत्तर, कितने भेद हैं। दिखाई देगी तो दुख दूर नहीं होगा। निगोदिया सिद्ध शिला पर बैठा है, कोई सुखी नहीं, अनंत दुखी। दिखाई देने की बात तो दूर, सिद्ध शिला पर बैठा, तुम्हारे लिए ज्यादा उपयोगी ये होगा कि ये शरीर ही एक पत्थर की भांति दिखाई दे, एक शिला की भांति दिखाई दे जिस पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है। बस इतना बोध हो जाए, ये बोध ये शरीर ही एक पत्थर की भांति ऐसा दिखाई दे, मिट्टी के ढेर को खेत में देखते थे,
मिट्टी का ढेर। तुम जमीन पर चलने के लिए नहीं, आसमान में उड़ने के लिए, मगर तुम इस बात को भूल ही गए हो कि तुम आकाश में उड़ने के लिए हो। तुम आकाश को तो भूल ही गए, आकाश की बात तो दूर, तुम तो यही भूल गए कि तुम्हारे पास पंख भी है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, पत्थर का पड़ोसी, शिला का पड़ोसी, मैं सिद्ध और ये शिला, सिद्ध शिला, सिद्ध शिला के बीच में भेद विज्ञान, बस यही धर्म है। सिद्ध शिला, सिद्ध स्व, शिला पर, बस तुमने सिद्ध शिला को समझ लिया, तुम्हारा ये मनुष्य बहुत सफल हो गया। नर भव सफल हो, नर भव हो, नारी का भव हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी तो मुझे विचार आता है परिस्थिति को स्वीकार करने का सामर्थ्य नर से ज्यादा नारियों में होता है, और आज के जमाने में जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, पति पत्नी का जितना गुलाम होता है, पत्नी पति की इतनी गुलाम नहीं होती। पत्नी मर जाए तो पति इतना लंबा जीता नहीं। तुम देखना यार, पत्नी मरी कि पति 2 महीने 4 महीने 6 महीने में पीछे पीछे गया, और पति मर जाने के बाद में 10-10 साल 20-20 साल पत्नियां जी लेती। तुम अपने अड़ोस पड़ोस में देखना, बिना पति की पत्नियां कितनी जीती है वो देखना, और बिना पत्नी का पति कितना जीता है वो देखना, संख्या तुम देख लेना। हाँ देखो, पत्नी गई और जिंदा है, 29 साल, पत्नी गई और जिंदा है, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा कमल खिलेगा, वरना नहीं कहता, वरना नहीं कहता। एक आध बोलने वाला मिला नहीं, या कौन बोले, सब सहरे बिना पति के, ठीक है चलो। मगर तुम नारी होकर, मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है, नारी हो तो निराश मत होना। स्त्री को तो हमने इतना नीचा कर दिया, स्त्री नरक का द्वार, स्त्री नरक का द्वार है, पुरुष को नरक में पटकती है स्त्री, पुरुष नरक का द्वार नहीं। इस दृष्टि से भी मुझे एक विचार और आया कि स्त्री नरक का द्वार है, माने स्त्री नरक में पटकती है किसको, पुरुष को, पुरुष नरक का द्वार नहीं है, इसका मतलब स्त्री नरक में जाएगी नहीं, क्योंकि पुरुष तो नरक का द्वार है ही नहीं, तो स्त्री कैसे जाए नरक में, स्त्री ही नरक का द्वार है तो पुरुष को ही जाना पड़ेगा। मैं तो इसे इतना कहता हूं कि स्त्री हो या पुरुष हो, निराश मत होना किसी भी अवस्था में, निराश मत होना, प्रति समय स्वरूप की जागृति कि मैं पुरुष भी नहीं, मैं स्त्री भी नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, आज इतना ही।